हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्टर स्कैन सिस्टम। इससे पहले रैंडम स्कैन सिस्टम के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है और उसके प्रॉपर्टीज़ और उसके एक्चुअल में उस मेथड में क्या होता है, कैसे एक सीआरटी मॉनिटर पे हम इस किसी भी पिक्चर्स और वीडियोस को डिस्प्ले करते हैं। तो ये रेस्टर स्कैन सिस्टम जो कि दूसरा मेथड है जिसका यूज़ सीआरटी स्क्रीन मॉनिटर्स में किया जाता है ताकि हम पिक्चर्स को जनरेट कर सकें। तो इसमें क्या होता है, हमने इससे पहले रैंडम स्कैन सिस्टम डिस्प्ले में देखा था कि जो इलेक्ट्रॉन बीम है एक पर्टिकुलर एरिया में ही हम स्ट्राइक करते हैं, हाँ प्रेजर मतलब करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। इसमें क्या होगा, हम ऑल ओवर दी स्क्रीन डायरेक्ट करेंगे हम अपने इलेक्ट्रॉन बीम को, ठीक है। यही कॉमन डिफरेंस है दोनों में। इट इज़ दी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ग्राफिकल मोनिटर, ग्राफिक्स मोनिटर बेस्ड ऑन टेलीविज़न टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ग्राफिक मॉनिटर मोस्ट कॉमन ग्राफिक मॉनिटर मेथड है जो कि टेलीविज़न टेक्नोलॉजी में है, के ऊपर बेस्ड है। इन अ रेस्टर स्कैन डिस्प्ले इलेक्ट्रॉन बेव इज स्वेप्ट अक्रॉस द स्क्रीन वन रो एट अ टाइम फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है। तो ये पूरी स्क्रीन को कैप्चर करता है इलेक्ट्रॉन बीम, लेकिन एक टाइम पर एक ही रो को, मतलब ये रो वाइज करता है, मतलब टॉप से ऐसे रो इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करेगा, फिर यहाँ से फिर ऐसे आ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे करेगा, फिर यहाँ से ऐसे आ जाएगा, और ये साइकिल चलती रहेगी जब तक वो बॉटम में ना पहुँच जाता, ठीक है। तो ये पूरी स्क्रीन को कवर करता है इलेक्ट्रॉन बीम। व्हेन इलेक्ट्रॉन बीम मूव अक्रॉस ईच रो द बीम इंटेंसिटी इज टर्न ऑन एंड ऑफ टू क्रिएट अ पैटर्न ऑफ इल्यूमिनेटेड स्पॉट। अब देखिए, जैसे ही हमारा इलेक्ट्रॉन बीम ये पहला रो कंप्लीट करता है तो यहाँ तक तो ये इसके पिक्सल्स ऑन रहेंगे, ठीक है, ऑन स्टेज में रहेंगे, और जैसे ही इसको स्विच करना होगा सेकेंड रो पे तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन बीम को यहाँ आना पड़ेगा, तो उस समय उसकी स्टेटस कैसी हो जाती है, ऑफ चला जाता है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी ऑफ हो जाती है। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन बीम चालू होती है, फिर ये दूसरी रो कंप्लीट करता है, फिर इसके बाद यहाँ आने के लिए ऑफ हो जाएगा, और फिर यहाँ आ जाएगा तो फिर तीसरी रो स्टार्ट कर देगा और ऑन स्टेज में चला जाएगा। तो यही स्टेटमेंट इसमें बता रहा है। पिक्चर डिफाइंड इज स्टोर इन अ मेमोरी कॉल्ड फ्रेम बफर। फ्रेम बफर के बारे में हमने पहले डिस्कस कर लिया है, जिसमें हमारी डेटाज स्टोर होते हैं जो भी हमें मॉनिटर्स पे या एज आउटपुट पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। विच होल्ड दी सेट ऑफ इंटेंसिटी वैल्यू विच आर रिट्रीव फ्रॉम द फ्रेम बफर पॉइंट ऑन द स्क्रीन वन एल रो एट अ टाइम विच आर सोन इन फिगर। तो फिगर देख लेते हैं। तो यहाँ पर फिगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन बीम है, इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम निकल रही है और वो टॉप टू बॉटम देख रहे हैं ना, टॉप टू बॉटम चल रही है और टॉप टू बॉटम में वो पिक्चर्स भी हमारे ड्रॉ होते जा रहे हैं। तो ओवरऑल ये ब्रीफली डिस्क्राइब किया है कि एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन बीम मूव कैसे करता है। हाँ, रेस्टर स्कैन डिस्प्ले में टॉप से स्टार्ट करेगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इसके बाद ऑफ हो जाएगा स्क्रीन, ठीक है, ऑफ मोड में चला जाएगा, फिर इस ऑन मोड में चला जाएगा, फिर पिक्चर शो करेगा, फिर ऑफ मोड में चला जाएगा, फिर ऑन मोड में, और ऐसे चलता रहेगा। जब बॉटम पर पहुँच जाएगा तो फिर ये टॉप से स्टार्ट करेगा, और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है, इतनी जल्दी चलती है कि हमें पिक्चर्स में किसी तरह की लैकिंग नहीं दिखती। ओके, एट द एंड ऑफ ईच लाइन द बीम मस्ट बी टर्न ऑफ एंड रीडायरेक्ट टू द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सीआरटी कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल रिट्रेस। ओके, तो लेफ्ट साइड, और इसको हम जो बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रिट्रेस बोलते हैं। एट द एंड इज फ्रेम द इलेक्ट्रॉन रिटर्न टू द टॉप कॉर्नर ऑफ द स्क्रीन टू बिगिन द नेक्स्ट फ्रेम कॉल्ड वर्टिकल रिट्रेस एज इन शोन इन फिगर, ठीक है। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रिट्रेस क्या होता है, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ओवरऑल रेस्टर स्कैन सिस्टम क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो समझ में आई तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब